Assalamu alaikum my YouTube family, hope you all are fine. So today's video I will give you some tips for keeping your pet cool in hot weather. Before starting my videos, I request you all to subscribe my channel and press the notification bell, so you will get all the notification of my new informative videos. Here are some steps you must take to keep your cat healthy and safe in hot weather. Sabse pehle baat kar lete hain paani ke bare mein. Make sure your cat has plenty of fresh water. और इसी के साथ आपने रिप्लेस करते रहना पानी को दिन में 2 से 3 बार. एक ही बर्तन में पूरा दिन पानी नहीं रहने देना. अगर आप मड बाउल यूज़ करें यानी मिट्टी का प्याला तो वो भी बेस्ट रहता है, इससे कैट को पानी गर्म फील नहीं होता. और नंबर 2 इज़ शेड. मेक श्योर करें कि घर में कूल एंड शेडी प्लेसेस हैं जहाँ कैट्स जाके आराम से बैठ सके और आराम कर सके. आपको कूलिंग मैट्स का भी पता होगा जो पेट मार्केट में अवेलेबल हैं, बट दे आर टू एक्सपेंसिव. तो आपने अपने पेट्स के लिए कूलिंग मैट या कूलिंग स्पेस घर में खुद तैयार कर लेनी है. उसके लिए सिर्फ आपको 2 चीज़ें चाहिए, एक थिन ब्रिक्स यानी ईंटें और दूसरी जूट. इस तरह की आपने ब्रिक्स ले लेनी है और फिर आपने इस तरह की जूट लेनी है. अगर आपको जूट नहीं मिलती तो आप कॉटन फाइबर ले सकते हैं. और थिन ब्रिक्स को घर के उस कॉर्नर पर आपने रख देना है जहाँ पर आप आराम से ब्रिक्स को पानी दे सकें, जैसे लॉन वगैरह या सहन में. और ब्रिक्स को ठंडे पानी से अच्छी तरह गीला कर लेना है और जो एक्सेस वाटर होगा वो ब्रिक्स खुद ही अब्जॉर्ब कर लेंगी. और उसके साथ ब्रिक्स पे आपने जब ब्रिक्स को अच्छी तरह पानी लगा देना है, आपने उस पर जूट बिछा देनी है. ब्रिक्स को पानी इसीलिए लगाना है ताकि वो जगह ठंडी हो जाए. ब्रिक्स पे पानी लगेगा तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही ठंडी हो जाएंगी और कैट को कूलिंग मैट का ही काम देंगी कैट के लिए. और उसके ऊपर फिर आपने कॉटन फाइबर बिछा देना है, वो जगह ठंडी रहेगी. और आपने यही सेम प्रोसेस रोज़ सुबह एक ही दफ़ा बस ब्रिक्स को सुबह सुबह गीला करना है और उसके ऊपर ठंडा पानी से उसको अच्छी तरह गीला करके उसके ऊपर आपने जूट बिछा देनी है. नंबर 3 पे बात कर लेते हैं एयर सर्कुलेशन की. एयर सर्कुलेशन का भी लाजमी ख्याल रखना चाहिए क्योंकि अक्सर लोगों ने घर के अंदर कैट हाउसेस वगैरह बनवाए होते हैं या फिर अलग स्पेस दी होती है कैट्स को. तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वहाँ एयर पास हो सके आराम से. एयर सर्कुलेशन का भी लाजमी इंतज़ाम हो. उसके बाद बात करते हैं ग्रूमिंग की. अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैट के हेयर उसको गर्मी से बचाते हैं और स्किन के लिए भी प्रोटेक्शन का काम देते हैं. सो यू मस्ट ब्रश योर कैट प्रॉपरली. अ वेल ग्रूम्ड एंड टैंगल फ्री कोट विल आल्सो हेल्प टू कीप योर पेट कूल इन समर. इसके साथ कूलिंग पाउडर्स भी मिलते हैं मार्केट में. कूलिंग पाउडर्स दोनों के लिए होते हैं, कैट्स के लिए भी और डॉग्स के लिए भी. तो वो आप यूज़ कर सकते हैं गर्मियों में. उसको बस आपने ये करना है कि कूलिंग पाउडर्स आपने मंगवा के उसको अच्छी तरह कैट की कोट में स्प्रिंकल करना है और रब कर देना है और उसके बाद अच्छी तरह ब्रश कर देना है. और हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए कैट्स को लाजमी समर में योगर्ट दें और ORS. ये दोनों उसको हीट स्ट्रोक से बचाएंगी और उसको डिहाइड्रेशन की भी नई शिकायत होगी. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हों तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं. Take care of yourself and your furry fellows. Allah Hafiz.